मुंबई में स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। अब लगातार मनपा अब कड़े कदम उठाने वाली है। लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मनपा अब कड़े कदम उठाएगी। क्रिसमस का त्यौहार नजदीक है, आज से 5-6 दिनों बाद क्रिसमस का त्यौहार है और उसके बाद न्यू ईयर पार्टीज भी की जाएगी। इसको देखते हुए अब मनपा कड़े कदम उठाने वाली है। अभी से कुछ ही देर पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि कैसे आगे के हालातों को देखते हुए मनपा सख्ती बरतेगी। ये पहले ही मुंबई पुलिस द्वारा कह दिया गया था कि 15 तारीख से यानी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक धारा 144 मुंबई में लागू है, यानी किसी भी तरह की पार्टियों को अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन आज मुंबई की मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जितनी भी पार्टीज होंगी उसमें 50% ही अनुमति मिलेगी, वो भी लोगों का वैक्सीनेशन होना जरूरी है। प्रशासन कड़े कदम उठाने वाली है। इसके बाद आपको बता दें कि 2 दिनों पहले नवी मुंबई के एक स्कूल में 16 से 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद एक हफ्ते के लिए स्कूल को बंद भी कर दिया गया था और साथ ही 600 से 800 बच्चों का कोरोना टेस्ट भी हुआ था, उस स्कूल को बंद कर दिया गया था। इसके बाद सवाल उठ रहा था और सबसे बड़ा ये सवाल था कि क्या मुंबई के स्कूलों को भी बंद किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मुंबई की मेयर ने ये जानकारी दी है कि जो स्कूल चालू थे 15 दिसंबर से जो स्कूल चालू थे वो ऐसे ही चालू रहेंगे और सारी जितनी भी पार्टीज होने वाली है क्रिसमस को लेकर 31 दिसंबर को लेकर उनकी सारी ही गाइडलाइंस सेम ही रहेगी। सभी को वैसे ही नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सबके लिए अनिवार्य होगा। हम आपको एक छोटी सी झलक दिखाएंगे, एक छोटा सा बाइट दिखाएंगे कि मुंबई की मेयर ने क्या कहा। तो स्कूल बंद करने का कुछ विचार नहीं है। जैसे एसओपी पहला स्कूल खोलने के बाद 9 और 10 वही एसओपी है, पालक चाहते हैं उनको स्कूल में भेजना है तो भेज सकते हैं। ऑनलाइन ये तो रहेगा, एजुकेशन चालू और हर एक ने इसीलिए तो बार बार पंतप्रधान सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हर राज्य को अलर्ट कर रहे हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ को बात कर रहे हैं। तो ये राज्य में रहने वाले लोगों को क्या हो रहा है, क्यों नहीं लोगों की जान बचाने के लिए हम आगे आ सकते हैं? नहीं बचा रहे उनको कैसे पीछे लेके जा सकते, ये प्रयास कर रहे होता है। तो उसके हॉल में 50% लोग होना चाहिए, ज्यादा है और गिनती हो जाती है कि उन जिसका हॉल है या जिसका वो कुछ मॉल है या जो भी है उन ऑर्गेनाइजर के ऊपर कार्रवाई हो। मुंबई पुलिस ने लगाई है, इसका मतलब है ओमिक्रॉन है, आज भी कोविड-19 कोरोना का संकट ज्यादा बढ़ने का चांसेस दिख रहा है, तो उसको लेके जो पैंडेमिक एक्ट को देखते हुए उन्होंने 144 जो लगाए तो उनका काम उनके करने दो। पब्लिक तो बहुत ही अच्छी है, जो नागरिक है मुंबई के वो तो बहुत ही अच्छे लोग है और वो खुद चाहते भी है, लेकिन उकसाने वाले लोग है उनकी जान लेना चाहते है। तो ये आप सुन रहे थे मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को कि कैसे वो कह रही थी कि हाँ भले ही नवी मुंबई में बच्चे कोरोना पॉजिटिव आई है लेकिन उसके बाद भी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, स्कूल सुचारू रूप से चालू रहेंगे और 10 दिनों बाद ये 10 दिन काफी मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि 25 दिसंबर क्रिसमस की पार्टी हर जगह मनाई जाती है और साथ ही 31 दिसंबर नए साल की शुरुआत होती है, इस वजह से हर जगह पार्टियां होती है। इसको देखते हुए नई गाइडलाइंस जो जारी की है उनका पालन करना होगा। हमारे सहयोगी सुरेंद्र झुटिंगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं वो मुंबई की मेयर उन्होंने जो भी कहा उसके बारे में क्या कहते हैं। आप सुरेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। तो बताइए दर्शकों को कि और मुंबई की मेयर ने कोरोना को देखते हुए और क्या जानकारी दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं, तो उसको देखते हुए अब और क्या, कुल 54 केस है महाराष्ट्र में, कल भी 8-9 केस, ऐसे लगातार दिन ब दिन ओमिक्रॉन के का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग ठीक भी हो रहे हैं और जो नई गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से मुंबई की मेयर ने और क्या जानकारी दी?
देखिए ये दिसंबर का तीसरा हफ्ता है और आज से जो है क्रिसमस का त्यौहार जो है बड़े पैमाने पे मुंबई पर मनाएंगे। मुंबई जानी जाती है क्रिसमस के लिए, मुंबई जानी जाती है त्यौहारों को मनाने के लिए, लेकिन मुंबई के जो महापौर है किशोरी पेडणेकर, उन्होंने आज पत्रकार परिषद ली। हालांकि अगर आपने पत्रकार परिषद देखी होगी तो आपको बता दें कि पत्रकार परिषद में उनके जो तेवर थे काफी सख्त है, काफी कड़े थे तेवर। इन्होंने जब बात किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि स्कूल जो है वो बंद नहीं रहेंगे। हाँ, जिनको नहीं आना है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जिनके पालक जो है अपने स्टूडेंट को अपने बच्चों को भेजना चाहे वो बीएमसी स्कूल में भेज सकते हैं। उसके अलावा भी उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों पे जो है जिक्र किया है। खासतौर पर आशीष शेलार जी ने जो आखिरी पत्रकार परिषद लेकर जो उन्होंने मंत्री का नाम सामने आने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि करण जौहर के पार्टी में जो है जो करीना कपूर पॉजिटिव आई थी उसमें एक मंत्री भी हो सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर आशीष शेलार को अभी चैलेंज कर दिया कि अगर आपको लगता है तो आप सीसीटीवी फुटेज दिखाए और मंत्री का नाम सामने ले, क्योंकि हम जो है ओमिक्रॉन के खतरे से गुजरे। ऐसे में विपक्ष का पार्टी साफ तौर पर तो भाजपा जो है वो ऐसे काम करके और ऐसे आशंका उपस्थित करके आम लोगों का ध्यान ना भटकाए, जबकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हमें ओमिक्रॉन से लड़ना है और आगे जाके हमें कोरोना फैले नहीं इसके लिए काम करना है। हालांकि देखिए ये ईयर एंडिंग है, सारे यहाँ पे खत्म होगा, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी करने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के पहले ही आज महापौर ने बता दिया कि मंत्रियों पर तो हमला बोला ही आशीष शेलार पर। जी जी सुरेंद्र जी, उन्होंने आशीष शेलार पर हमला बोला, साथ ही उन्होंने कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सारे पार्टियों के लिए गाइडलाइन सेम होगी और इसके चलते अब क्या मुंबईकरों में डर का माहौल है, मुंबईकरों को कैसी सख्ती बरतनी होगी, मुंबईकरों के लिए जो गाइडलाइंस आई है उसके बारे में जरा हमें थोड़ा बताइए। देखिए पिछले दो साल से जो है मुंबईकरों को अभी कोरोना की आदत लग चुकी है, तो डर जो है वो पिछले दो साल से, इसमें कोई नया डर है नहीं। हालांकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है जो कोरोना का नया विषाणु है इसकी वजह से थोड़ा बहुत अलग तरह से डर है। ये देखिए जब हम आम मुंबईकर से बात कर रहे थे, मेट्रो मुंबई की टीम जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने पता कि उनको पार्टी करना है लेकिन करे तो क्या करे। एक तरफ कोरोना की वजह से उनको रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ अब हर बार जो है हर हफ्ते में कोई नया नया वेरिएंट आते हैं उसकी वजह से पाबंदियां जो बढ़ती है। लेकिन हालांकि अगर हम देखे जाए तो इससे जो है मुंबईकर सेफ रहेंगे, मुंबईकर अगर चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे तो हमें आगे जाके जो कोरोना से महामारी हुई थी वो उसका सामना रख के करना है। शायद इसीलिए मुंबईकर भी जो सतर्क देख रहे हैं, मुंबईकर भी है हर जगह पे हमें भीड़ नहीं करते हुए देख रहे, क्योंकि मुंबईकर जाने जाते हैं उनको हेल्थ के लिए हमें पता है कि किस तरह से अपनी जो है सेफ रखते हैं। जी जी शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मुंबई के मेयर किशोरी पेडणेकर ने जो कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, जो परसों नवी मुंबई के स्कूल में 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए थे, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर स्कूलों में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, लगातार वैज्ञानिक ये कह रहे थे, WHO के एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि बच्चों को सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा हो सकता है, इसको देखते हुए लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या स्कूलों को बंद किया जाएगा। लेकिन मेयर ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक स्कूल खुले रहेंगे, स्कूल सुचारू रूप से चलते रहेंगे, कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूलों को खुला रखा जाएगा, अब स्कूल बंद नहीं होंगे। साथ ही जो नई पार्टीज है, ये 10 दिन काफी मुश्किल है मुंबईकरों के लिए, मनपा के लिए, महानगर बीएमसी के लिए, क्योंकि उन्हें देखना होगा, उन्हें सारे नियमों का पालन करवाना होगा, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा जरा सा भी बढ़ा तो तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता, एक बार फिर मुंबईकर लॉकडाउन में जाएंगे, इन सब चीजों को कोई नहीं रोक सकता। अब इसी को चलते देखना होगा कि मुंबई की मेयर ने जो ये फैसला लिया है इसके बाद क्या होता है, क्या मुंबई में ओमिक्रॉन के केस कम होंगे, क्या ऐसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मुंबई में लगातार बढ़ता रहेगा।